हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल। लक्षिता का आपके साथ डेली करंट अफेयर सेशन में आज हम डिस्कस करने वाले हैं 3 फरवरी 2022 के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, जो कि आपके आगामी परीक्षा के लिए लाभदायक सिद्ध हो सकते हैं। आज के क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, तो वीडियो स्किप मत करिएगा। और गाइज, करंट अफेयर सेशन के बाद आज हम दोबारा स्टार्ट करने वाले हैं प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस, जो कि मिडवल हिस्ट्री से रिलेटेड है, तो उसको सॉल्व करेंगे। एंड लास्ट में आपके लिए क्वेश्चन होगा जिसका आंसर आपको क्या करना है, कमेंट बॉक्स में देना है। और इम्पॉर्टेंट है सूचना आप लोगों के लिए कि इससे रिलेटेड जो पीडीएफ है वो हम क्या करेंगे, हमारे टेलीग्राम चैनल लक्ष्य तक आपके साथ वहाँ पर शेयर कर दिया जाता है, तो आप वहाँ जा करके ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। सेकेंड थिंग, अगर कोई इंस्टाग्राम से जुड़ना चाहता है हमसे, तो वो भी जा करके डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से ले करके जुड़ सकते हैं। तो चलिए आज का सेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज का सेशन जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, तो स्किप मत करिएगा, ज़रूर देखा करिए। सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, तभी हम लोग उसका क्या करते हैं, क्वेश्चन क्रिएट करते हैं, तो उसको स्किप मत किया करिए, बहुत मेहनत लगती है, और ध्यान से उसको नोट डाउन करते चलिए। तो चलिए आज का पहला सेशन, पहला क्वेश्चन देखते हैं, आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है देख लेते हैं, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। पहला ही क्वेश्चन क्या है, इम्पोर्टेंट है कि विश्व उपेक्षित उष्णकटिबंधीय, क्या क्वेश्चन कह रहा है कि विश्व उपेक्षित उष्ण, यहाँ उष्ण लिखना थोड़ा मिस टाइप हो गया, तो विश्व उपेक्षित उष्णकटिबंधीय जिसको क्या कहते हैं, एन टी डी का मतलब क्या होता है, एक मिनट लिख दे रहा है, नेगलेक्टेड ट्रॉपिकल डिसीज। तो ये कौन सा दिवस है, वर्ल्ड नेगलेक्टेड ट्रॉपिकल डिसीज, मतलब कि विश्व उपेक्षित उष्णकटिबंधीय रोग दिवस जो है ये हर साल कब मनाया जाता है, तो ये हर साल कब मनाया जाता है, 30 जनवरी को ये दिवस हर साल मनाया जाता है। तो देख लेते हैं इसमें और भी फैक्चुअल, तो इसे क्या है, इसे नोट कर लीजिए, सारे लाइन इंपॉर्टेंट है। इसे 74वीं विश्व स्वास्थ्य सभा 2021 में घोषित किया गया था। इस एनटीडी को 74वीं विश्व स्वास्थ्य सभा 2021 में घोषित किया गया था, तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। और इस दिवस को मनाने मान्यता देने का प्रस्ताव किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था, ये दूसरी इंपॉर्टेंट लाइन नोट करिए, कि इस दिन को मतलब एनटीडी मनाए जाने के लिए जो मान्यता देने का प्रस्ताव था, कि मान्यता दी जाए, इसके लिए प्रस्ताव किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था, तो वो है संयुक्त अरब अमीरात। कौन है, संयुक्त अरब अमीरात द्वारा प्रस्तुत किया गया था, तो ये क्लियर हो गया होगा। जिसका नाम अभी मैंने बताया कि 74वीं विश्व स्वास्थ्य सभा 2021 में इसको घोषित किया गया था, इस दिवस को मनाने के लिए, तो ये विश्व स्वास्थ्य सभा जो है, विश्व स्वास्थ्य सभा ये WHO की, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की निर्णय लेने वाली क्या है, संस्था है। विश्व स्वास्थ्य सभा जो है WHO की निर्णय लेने वाली क्या है, एक संस्था है। तो चलते हैं अब बात कर लेते हैं NTD, विश्व उपेक्षित उष्णकटिबंधीय रोग दिवस के रोग के बारे में बात कर लेते हैं कि ये रोग क्या है, कैसे, तो ये क्या है, संक्रमण का एक समूह है। संक्रमण का क्या है, एक समूह है, जो कहाँ कहाँ, जो विकासशील क्षेत्र हैं, जैसे कि अफ्रीका, एशिया, अमेरिका, तो इन सब का जो विकासशील क्षेत्र है वहाँ पर ये रोग जो है सामान्य है, जहाँ ये देखने को मिलता है, तो ये ध्यान रखिएगा, विशेषकर तो अफ्रीका में देखने को मिलता है, तो ये सब ध्यान देने वाली बात है, ध्यान दीजिएगा। और दूसरा क्या है कि दूसरा फैक्ट अगर बताया जाए, तो ये रोग जो है जैसे कि क्या कहते हैं, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, परजीवी, वायरस के कारण होते हैं ये रोग, विभिन्न प्रकार के रोगजनक जैसे कि वायरस के कारण, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, परजीवी के कारण होते हैं, तो ये भी पॉइंट कि मतलब एनटीडी किसके कारण फैलता है, तो ये जितने भी रोगजनक कारक हैं जैसे वायरस, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, परजीवी, उनके कारण होते हैं, तो ये ध्यान रखिएगा।
और ये मैंने बता ही दिया कि उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में ये विशेष रूप से ये जो रोग है तो ये विशेष रूप से कहाँ पर उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में पाया जाता है, इसीलिए इसका नाम ही रखा गया है क्या, ट्रॉपिकल ट्रॉपिकल नेगलेक्टेड ट्रॉपिकल डिसीज़। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। तो ये जो उष्णकटिबंधीय एरियाज होते हैं यहाँ पर स्वच्छ पानी और मानव अपशिष्ट का जो निपटान है उस वहाँ सुरक्षित तरीकों तक पहुँचान नहीं होती है, पहुँच नहीं होती है, इसी कारण ये इस क्षेत्र में ज़्यादातर ये सारे रोग इस रोग के मतलब ये सारे ये रोग जो है वहाँ का कारक है, इसी रीज़न से, क्योंकि वहाँ स्वच्छ पानी का अभाव है, स्वच्छ पानी तक लोगों की पहुँच नहीं है, तो ये सारी चीज़ें हैं। और एनटीडी के जो एनटीडी जो है इसके उसमें लिख जैसे कि सर्पदंश का जहर, सर्पदंश का जहर, खुजली, ये सब इसके एनटीडी के उदाहरण हैं, इसके डिसीज़ के उदाहरण हैं। सर्पदंश का जहर हो गया, खुजली हो गया, ट्रेकोमा हो गया, ट्रेकोमा लीश, एक मिनट, ये लिख लिया आपने, फिर लिख लीजिए आप लोग लीश मैनियासिस, चगास रोग, जम्हाई, ये सारे जो हैं एनटीडीज के क्या हैं, उदाहरण हैं। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। तो और ये जो है कि एनटीडीज पर जो डिसीज़ है इस पर क्या हुआ था, लंदन लंदन में उद्घोषणा हुई थी इसको मनाने के लिए, लंदन में उद्घोषणा हुई थी और लंदन उद्घोषणा के तहत इसको 2012 में अपनाया गया था, ये ध्यान रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। तो इसमें मतलब टोटल देखा जाए तो 20 एनटीडीज ऐसे हैं जो दुनिया भर में लगभग देखा जाए तो 1.7 बिलियन से अधिक लोगों को ये जो है प्रभावित करता है एनटीडीज रोग। तो ये ध्यान रखिएगा, बहुत बहुत ज़्यादा लोग इससे क्या है प्रभावित है, पूरे वर्ल्ड में देखा जाए तो 1.7 बिलियन से अधिक लोगों को क्या कर ये प्रभावित करता है, तो ये ध्यान रखना है। और ये हाँ मोस्ट इम्पोर्टेंट लाइन तो भूल जा रहा था, ये देख लीजिए थीम क्या रखी गई है इस बार की जो मनाई गई है, तो इसकी थीम क्या रखी गई है। तो ये जो हर साल मनाया जाता है 30 जनवरी को, तो इससे इसके बारे में कि ये जो रोग है इसके बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए ये मनाया जाता है, इसका जो उद्देश्य पर्पज़ है कि क्यों हर साल मनाया जाता है, तो इसीलिए कि इसके बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए हर साल मनाया जाता है, ताकि हम क्या करें इसके उन्मूलन के लिए, इसको ख़त्म करने के लिए, समाप्त करने की दिशा में हम क्या करें कदम उठा सके। तो 2022 की जो थीम है रखी गई है वो रखी गई है गरीबी से संबंधित बीमारियों की उपेक्षा को समाप्त करने के लिए, थोड़ा सा बड़ा है लेकिन लिखना है, गरीबी से संबंधित बीमारियों की उपेक्षा को समाप्त करने के लिए स्वास्थ्य समानता हासिल करना, ये इसकी क्या है थीम है। तो नोट कर लीजिएगा, जितने भी पॉइंट बताए हैं सारे इम्पोर्टेंट है, एक जगह नोट कर लीजिएगा और पढ़ते रहिएगा, कहीं से भी क्वेश्चन पूछ सकता है, इस ये मतलब हर एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से पूछ लेता है, तो ये ध्यान रखिएगा। और 2022 में जो नारा नारा रखा गया है इसका वो है क्या है, वो भी देख लेते हैं, उपेक्षा से देखभाल की ओर, फ्रॉम नेग्लेक्ट टू केयर। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। और मान्यता किसके द्वारा, मतलब इसको इस दिन को मान्यता देने का प्रस्ताव किसके द्वारा, संयुक्त अरब अमीरात, पहले ही बता दिया मैंने, और विश्व स्वास्थ्य सभा ने 30 जनवरी 2021 को क्या किया था इसको मतलब मनाने के लिए समर्थन किया था, 74वीं विश्व स्वास्थ्य सभा ने 30 जनवरी को इस रोग दिवस के रूप में मान्यता देने के निर्णय का क्या किया था
समर्थन दिया था, तो ये आप ध्यान रखिएगा। और ये जो इस बार जो मनाई गई है वो तीसरी बार मनाई गई है। ये कब मनाई गई है? ये जो इस बार ये जो दिवस मनाया गया है थर्ड टाइम है, तीसरी बार है, तो ये ध्यान रखिएगा। चलते हैं अपने, ये देखिए, बीट एंटिटीज गुड, बीट एंटिटीज एंटिटीज फॉर गुड फॉर ऑल। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक मिनट गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्पितुक गस्टर फेस्टिवल मनाया गया है? कौन सा फेस्टिवल है? स्पितुक गस्टर फेस्टिवल, क्या नाम है इसका? स्पितुक गस्टर फेस्टिवल। तो ये कहाँ मनाया गया है? लद्दाख में सेलिब्रेट किया गया है। तो ये दो दिवसीय त्यौहार है, दो दिवसीय त्यौहार, 30 और 31 जनवरी में इसको क्या किया गया है, लेह और लद्दाख यूटीज में इसको क्या किया गया है, सेलिब्रेट किया गया है। और इसमें क्या होता है कि इस उत्सव को देखने के लिए जो भक्त होते हैं, एक मठ है वहाँ पर स्पितुक मठ, तो वहाँ पर जाते हैं। और यहाँ पर ये आप देख रहे होंगे ये नृत्य कर रहा है, तो ये कैसा नृत्य है, ये जो नृत्य कर रहा है ये मुखौटा, ये देखा होगा आप, देख रहे होंगे आप मुखौटा पहना है, तो ये रंगीन मुखौटा जो होता है इसमें सारे भक्त लोग जाते हैं और इस नृत्य में क्या करते हैं, भाग लेते हैं। और जो स्थानीय रूप से वहाँ के लोग जो हैं इसको क्या कहते हैं, चम्स कहा जाता है। स्थानीय रूप से इसको क्या कहा जाता है, चम्स कहा जाता है। तो ये ध्यान रखिएगा, स्थानीय रूप से इस मुखौटा डांस, जो ये डांस है इसको क्या कहा जाता है, चम्स कहा जाता है। ये आपको क्लियर हो गया होगा। तो मेन रूप से देखा जाए तो ये रंगीन मुखौटा नृत्य ही है इसमें, जो लोगों को क्या करता है, आकर्षित करता है। और लोगों का मानना है, जो यहाँ के स्थानीय लोग हैं, तो उनका मानना है कि ये जो फेस्टिवल मनाया जाता है, इस त्यौहार के बाद जो मौसम होता है वो कैसा हो जाता है, गर्म और सुहावना हो जाएगा। तो ये भी वहाँ के लोगों का, स्थानीय लोगों का मानना है। और ये लद्दाख के जो उपराज्यपाल हैं, ऊपर राज्यपाल, वो कौन है, आर के माथुर का मतलब इनका क्या है, राधा कृष्ण माथुर। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। और इसमें देखा जाए तो जो हेमिस हाई नेशनल पार्क कहाँ पर है, लद्दाख में ही है। हेमिस त्यौहार भी यहीं मनाया जाता है। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फरवरी 2022 में, इस क्वेश्चन को क्या करते हैं, थोड़ी देर स्किप करते हैं और इसको लास्ट में डिस्कस करेंगे। इसका रीज़न ये है कि इसके बारे में थोड़ा हम डीप चर्चा करने वाले हैं, इसलिए इस क्वेश्चन को लास्ट में डिस्कस करेंगे। इम्पॉर्टेंट है यूपीएससी के दृष्टि से भी, पीसीएस के, कोई भी एग्जाम है, सभी की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए इसको थोड़ा डीप चर्चा करने वाले लास्ट में करेंगे। कल थोड़ा सा डिस्कस किया था, आज भी थोड़ा सा करेंगे, तो आपका एक पूरा आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, फोर्थ नंबर का। आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार, क्या क्वेश्चन है, आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार भारत वन क्षेत्र वृद्धि के मामले में विश्व में कौन से स्थान पर है? कल मैंने बताया था, इंपॉर्टेंट है, आज इसी को, इसीलिए इस क्वेश्चन को लेकर के आए कि आप लोग अच्छे से इसको नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कल मैंने लास्ट में बजट बता रहे थे, तो लास्ट में मैंने इसके बारे में बताया था। तो ये जो है भारत वन क्षेत्र वृद्धि के मामले में, मतलब इसने जो वृद्धि की है उस मामले में अगर देखा जाए तो भारत किस स्थान पर है, तीसरे स्थान पर है। किस स्थान पर है, तीसरे, मतलब 2010 से 2021 के दौरान जो वन क्षेत्र की वृद्धि हुई है उस मामले में देखा जाए तो भारत का विश्व में कौन सा रैंक है, तीसरा रैंक है। और देखा जाए उस अगर अगर ये पूछे कि भारत विश्व में, भारत जो है विश्व में सबसे बड़ा, भारत विश्व में दसवां सबसे बड़ा वन क्षेत्र वाला देश है, वन क्षेत्र वाला देश है विश्व में दसवां सबसे बड़ा वन क्षेत्र वाला देश कौन सा, भारत है। लेकिन अगर वृद्धि, वन क्षेत्र की वृद्धि के मामले में देखा जाए तो उसमें कौन सा रैंक हासिल किया है भारत, थर्ड रैंक। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। भारत का जो कुल भौगोलिक क्षेत्र है, ये मैंने उसमें आई एफ एस आर जो रिपोर्ट आई थी
2021 की, तो उसमें मैंने क्लियर किया था, सारे पॉइंट किया था। एक बार फिर से बता रहे हैं ताकि आपका क्या हो जाए, क्लियर हो जाए, रिवीजन हो जाए। तो भारत का जो कुल, जिसने वो वीडियो नहीं देखा है, जा करके हमारे उसमें क्या कहते हैं प्ले लिस्ट, यूट्यूब में जो प्ले लिस्ट है वहाँ आपको मिल जाएगा, सर्च करिएगा मिल जाएगा आराम से। तो ये जो है कि भारत का जो कुल भौगोलिक क्षेत्र है उसका 24%, भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्र का 24% वन के अंतर्गत है। और जो 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 2020 में दुनिया के कुल वन क्षेत्र का कितना है, 2% है। क्या कहा मैंने, अगर भारत भारत के उसमें देखा जाए तो भारत का जो वनों का कुल भौगोलिक क्षेत्र क्षेत्र है वो कितना है, 24% है। लेकिन दुनिया पूरे विश्व में देखा जाए तो दुनिया के कुल वन क्षेत्र का 2020 में ये कितना है, भारत का अकेला 2% है। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। अगर देखा जाए जो मैंने कहा कि 10वां रैंक है शीर्ष 10 देशों में, मतलब भारत 10वां सबसे बड़ा देश है वन क्षेत्र के हिसाब से। तो जब 10वां है तो हमें क्या पता होना चाहिए, फर्स्ट टू फिफ्थ तो टॉप पता ही होने चाहिए। तो फर्स्ट टू फाइव जो है वो देख लेते हैं। फर्स्ट नंबर पर है रशिया, सेकंड पर है ब्राज़ील, फर्स्ट पे है रशिया, सेकंड ब्राज़ील, थर्ड कनाडा, फोर्थ अमेरिका एंड फिफ्थ चीन। रशिया, ब्राज़ील, कनाडा, इवस से चीन, याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट बताया जा रहा है, सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सेशन आज का हेड स्किप मत करिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ये आपके फाइव जो हैं टॉप हो गए, और भारत की रैंकिंग याद रखिए 10 पर है। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। अगर अगर बात करें, एक मिनट बता रहे हैं, जो 2010 के बाद से जो वन क्षेत्र में भारत में वृद्धि हुई है वो कितनी वृद्धि हुई है, दो लाख छाछठ हज़ार, ये इतनी इसमें क्या हुई है, वृद्धि हुई है 266,000 हेक्टेयर, ये यहाँ पे क्या किया गया है, वृद्धि हुई है इस अवधि के 2010 से 20 के बीच में जो वृद्धि हुई है वो इतनी हुई है, 266,000 हेक्टेयर इसमें क्या हुई है, वृद्धि देखने को मिली है। और अगर पूछ ले कि वन क्षेत्र की दृष्टि से सबसे ज़्यादा कहाँ, क्षेत्रफल की दृष्टि से वन क्षेत्रफल में नंबर वन पर कौन है, तो मध्य प्रदेश है। अगर प्रतिशत की दृष्टि से पूछ ले तो मिजोरम है। और अगर पूछ ले कि वृद्धि के वन क्षेत्र में, मतलब वृद्धि कौन दर्ज किया है इस बार, तो वो कौन है, आंध्र प्रदेश है, ये आपको क्लियर होना चाहिए। लेकिन अगर पूछ ले वन क्षेत्र और वन प्रतिशत, क्षेत्रफल की दृष्टि से और प्रतिशत की दृष्टि से दोनों में सबसे कम में कौन सा राज्य है, तो हरियाणा हो जाएगा। तो ये फैक्ट एकदम रटा होना चाहिए आप लोगों को, ताकि कहीं भी आए आपका आंसर टिक हो जाए तुरंत। चलते हैं हम लोग अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, जितने पॉइंट थे सब नोट करिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, किस देश ने हाल ही में पहली बार संघीय कॉरपोरेट टैक्स लागू करने की घोषणा की है। क्या क्वेश्चन है, किस देश ने हाल ही में पहली बार संघीय कॉरपोरेट टैक्स लागू करने की घोषणा की है, तो वो कौन है, संयुक्त अरब अमीरात। अभी संयुक्त अरब अमीरात के बारे में अपने ही लेक्चर में मैंने डिस्कस किया था, बताया था कि पहली पेपरलेस सरकार विश्व में पहली पेपरलेस सरकार कहाँ स्थापित हुई है, तो उसका आंसर भी यही होगा, संयुक्त अरब अमीरात। होप मिशन जो है, जो मंगल ग्रह के लिए होप मिशन स्टार्ट किया गया था, वो किसका है, ये संयुक्त अरब अमीरात का ही है। तो ये सब ध्यान रखिएगा। तो इसने क्या किया है, संयुक्त अरब अमीरात ने पहली बार संघीय कॉरपोरेट टैक्स लागू करने की इसने घोषणा की है। मतलब अभी तक संयुक्त अरब अमीरात में किसी तरह का कोई भी टैक्स नहीं लगता था, तो इसीलिए देखा जाए तो बहुत सारी जो कंपनियां हैं हमें कहाँ देखने को मिलती हैं, संयुक्त अरब अमीरात में ही देखने को मिलती हैं। लेकिन अब इसने क्या किया कि अब इसने क्या कहा कि नहीं भैया, हम तो क्या करेंगे, 9% की दर से हम क्या करेंगे, टैक्स लेंगे। इसने क्या कहा, हम 9% की दर से क्या करेंगे, टैक्स लेंगे। और ये कब से लेंगे, नेक्स्ट 2023 में। इन्होंने बोला कि 2023 से हम क्या करेंगे, 1 जून 2023 से हम 9% की दर से टैक्स लिया जाएगा। और मतलब जिसका मुनाफा जो होगा 75 लाख रुपए तक का होगा, उस पर किसी तरह का टैक्स नहीं होगा। जिसका मुनाफा 75 लाख तक का होगा, उस पर किसी तरह का कोई टैक्स नहीं लिया जाएगा। तो ये इन्होंने क्लियर किया है। एक्चुअली जो खाड़ी देश है उनका जो
आय होता है, इनकम होता है, वो अधिकतर किस पर डिपेंड होता है? तेल पर ही डिपेंड होता है। तो संयुक्त अरब अमीरात का भी जो इनकम था वो उसी पर निर्भर था। तो इसने एक मतलब ये सोचा कि कहीं और भी प्रयास किया जाए जिससे हमारे राजस्व में क्या हो, मुनाफा हो, तो उसमें विविधता आए। इसके लिए इसने ये स्टेप उठाया है और इसने क्या कहा कि हम क्या करेंगे, 9% का संघीय टैक्स 1 जून 2023 से हम क्या करेंगे, लेंगे। ये आपको क्लियर हो गया होगा। और ये जो टैक्स होगा, ये जैसे रोजगार, रियल एस्टेट और अन्य निवेशों से जो व्यक्तिगत आय पर या यूएई के बाहर लाइसेंस प्राप्त व्यवसाय से जो अर्जित आय होगी उस पर लागू नहीं होगा। तो इतना बहुत डीप नहीं जाना है आपको, बस इतना जो शॉर्ट में मैंने बताया कि 9% से 9% तक का लिया जाएगा और 75 लाख रुपए तक के मुनाफे पर नहीं लिया जाएगा। और ये पहली बार लगाया गया है, कब से लिया जाएगा तो वो आप लोग नोट कर लीजिएगा। तेल और गैस कंपनी पर भी ये टैक्स नहीं लगेगा, तो ये भी ध्यान रखिएगा कि तेल और गैस कंपनी पर भी ये टैक्स नहीं लगेगा। अगर बात करें संयुक्त अरब अमीरात की, तो संयुक्त अरब अमीरात जो है ये 7 अमीरातों का, इसको बोलते हैं ना संयुक्त अरब अमीरात, तो ये 7 अमीरातों का क्या है, एक महासंघ है। 7 अमीरातों का क्या है, महासंघ है। वो 7 अमीरात कौन कौन से हैं, तो वो है आप देख लीजिए, अबू धाबी नोट कर लीजिए, दुबई, अबू धाबी, दुबई, शारजाह, अजमान और लिख लीजिए फुजैरा, रास, एक मिनट इसको हटा देते हैं, आप लोग देख लीजिए एक बार फिर से बताते रहे, अबू धाबी, दुबई, शारजाह, अजमान, फुजैरा, रास अल खैमाह, रास अल खैमाह, और क्या है, उम अल क्वाइन अमीरात। ये क्या है, 7 अमीरात ये जो हैं यहाँ पर संयुक्त अरब अमीरात में शामिल हैं। और प्रत्येक अमीरात का क्या है, एक अलग अलग शासक है। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। अभी संयुक्त अरब अमीरात में एक और घोषणा हुई थी, रिसेंटली की ही न्यूज़ है, मतलब कि क्या दिसंबर की ही न्यूज़ है, कि 1 जनवरी से यहाँ पर क्या कर दिया गया, इस बार 2022 में, 1 जनवरी 2022 में इन्होंने क्या स्टार्ट कर दिया कि यहाँ पर 4 दिन का कार्य, एक सप्ताह में 4 दिन का कार्य करने वाला पहला देश ये बन गया है संयुक्त अरब अमीरात ही है जो है, ये 4 दिन, जैसे कि एक हफ्ते में 6 दिन काम किया जाता है हर जगह, लेकिन यहाँ पे क्या किया गया है कि 4 दिन का कार्य सप्ताह करने वाला ये पहला देश बन गया है। और यहाँ की राजधानी जो है अबू धाबी है, इसकी मुद्रा संयुक्त अरब अमीरात दिरहम है, इसकी मुद्रा क्या है, दिरहम है। और यहाँ के राष्ट्रपति खलीफा बिन जायद अल नहयान है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, सारा मैंने बता दिया है। चलते हैं अपने नेक्स्ट को, ये देखें, पहली बार यूएई लगाएगा 9% की दर से कॉरपोरेट टैक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड ने कहाँ पर प्राकृतिक गैस प्रणाली में हाइड्रोजन के मिश्रण की भारत की अपनी तरह की पहली परियोजना शुरू की है। क्या क्वेश्चन कह रहा है, ये क्या है, गेल, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, तो इसने क्या किया है, क्या कह रहा है, कहाँ पर, तो कहाँ पर, इंदौर कहाँ है, MP, तो इंदौर में प्राकृतिक गैस प्रणाली में किससे, हाइड्रोजन, ये ध्यान रखना, किससे, हाइड्रोजन के मिश्रण की भारत की अपनी तरह की पहली जो है ये परियोजना शुरू किया है, हाइड्रोजन के मिश्रण की, तो ये ध्यान रखना है। तो हाइड्रोजन के साथ मिलाई गई प्राकृतिक गैस की, और ये सप्लाई कहाँ की जाएगी, ये इंदौर MP में स्टार्ट की गई है, तो ये सप्लाई जो होगी, ये इस प्राकृतिक गैस की जो हाइड्रोजन के साथ मिलाई गई है, तो इसकी जो सप्लाई होगी, इसकी जो आपूर्ति होगी, ये मध्य प्रदेश में ही है, जिसका नाम है अवंतिका गैस लिमिटेड को ही क्या होगी, इसकी आपूर्ति की जाएगी, जो हाइड्रोजन के मिश्रण से प्राकृतिक गैस होगी वो कहाँ आपूर्ति की जाएगी, अवंतिका गैस लिमिटेड जो कि कहाँ पर है, वहीं मध्य प्रदेश में ही है।
तो ये गैस की आपूर्ति जो होगी इंदौर में सीएनजी और घरों में, इंदौर में सीएनजी और घरों में पाइप से प्राकृतिक गैस की जो खुद प्राकृतिक गैस की खुदरा बिक्री के लिए ये की जाएगी। तो आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा। अगर समझ आ रहा हो सेशन, अच्छा लग रहा हो, तो गाइस प्लीज़ इसको शेयर करिए, लाइक कर दीजिए। जो नए देख रहे हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें। और क्या कह रही थी मैं, ये देखिए, ये आपको क्लियर हो गया होगा, ये आप देख भी रहे होंगे। ये देखिए, एक मिनट, गेल ने की सीजीडी नेटवर्क में हाइड्रोजन के सम्मिश्रण की भारत की पहली परियोजना शुरू, ये आपको दिख रहा होगा, ये आपको क्लियर हो गया होगा। तो ये जो है राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन, राष्ट्रीय हाइड्रोजन, मेरा वीडियो इसीलिए लंबा हो जाता है क्योंकि हम बहुत डीप चले जाते हैं बताने के लिए। राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन, इसके अनुरूप क्या है, गेल ने क्या किया है, सीजीडी, यहाँ लिखा ना सीजीडी, अब सीजीडी का मतलब क्या है, तो सी का मतलब सिटी गैस वितरण, सिटी गैस, डी का मतलब डिस्ट्रीब्यूशन, सीजीडी सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन मतलब कि सिटी गैस वितरण नेटवर्क के तहत क्या करेगा, राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन के अंतर्गत जो गेल है, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, ये क्या करेगा, गैस सीजीडी यानी कि गैस, सॉरी सिटी गैस वितरण के नेटवर्क के तहत क्या करेगा, हाइड्रोजन के सम्मिश्रण के तहत तकनीक स्थापित करने वाली एक पायलट परियोजना के तहत हाइड्रोजन मिलाने का काम शुरू किया गया है। इस मिशन के अनुरूप गेल ने क्या किया है, इस नेटवर्क में हाइड्रोजन के सम्मिश्रण की भारत की पहली परियोजना इसने शुरू की है। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा कि किस योजना के तहत, ये भी मैंने आपको बता दिया है। तो ये जो परियोजना स्टार्ट की जा रही है, तो ये क्या है, हाइड्रोजन आधारित और कार्बन उत्सर्जन कम करने की दिशा में एक कदम है। जो हमारे यहाँ क्या किया गया है, कार्बन न्यूट्रल का जो लक्ष्य रखा गया है 2070 तक, 2070 तक, तो उसमें क्या है, ये एक बहुत ही अच्छा कदम है। कार्बन उत्सर्जन कम करने की दिशा में ये क्या है, हाइड्रोजन आधारित ये जो कार्यक्रम परियोजना स्टार्ट की गई, ये बहुत ही अच्छा कदम है। ये आपको क्लियर हो गया होगा। तो ये मैंने बता ही दिया कि जो कार्बन न्यूट्रल भविष्य की दिशा में क्या किया है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण कदम है, ये आपको क्लियर हो गया होगा। तो हमारा जो कार्बन न्यूट्रल का भारत का लक्ष्य रखा गया है, वो कब तक रखा गया है कि हमें कार्बन न्यूट्रल कर लेना है, तो 2070 लक्ष्य रखा गया है, 2070 में हम क्या करेंगे, कार्बन को न्यूट्रल कर लेंगे। और ये जो घोषणा की गई थी COP26 जो ग्लासगो में आयोजित हुआ था, ग्लासगो में, वहाँ पर ये क्या किया गया था, लक्ष्य निर्धारित किया गया था। और COP27 कहाँ होने वाला है, मिस्र में होगा, कहाँ होगा, मिस्र में होगा, तो ये भी ध्यान रखिएगा, इम्पॉर्टेंट है। और हाइड्रोजन हमारा जो है, हाइड्रोजन जो है इसको भविष्य का ईंधन कहा जाता है, स्वच्छ ईंधन है ये, इसको हाइड्रोजन को क्या कहा जाता है, भविष्य का ईंधन। इसकी खोज किसने की थी, कैवेंडिस ने की थी। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। और इंदौर जो है भारत की पहली वाटर सिटी भी है, ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। चलते हैं, जितने भी पॉइंट बता रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। हैप्पी शॉप ब्रांड का संबंध किस कंपनी से है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हैप्पी शॉप ब्रांड का संबंध किस कंपनी से है, तो किससे, HPCL का मतलब हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड का संबंध ये हैप्पी शॉप ब्रांड। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। तो इसने क्या किया है, HPCL ने अब क्या किया है, जो ग्राहक हैं, ग्राहक तो उनकी जो दैनिक आवश्यकताएं होंगी उनके, इस मतलब इस शॉप पर हैप्पी शॉप ब्रांड इसीलिए रखा है कि यहाँ पर ग्राहकों के दैनिक आवश्यकता के जो प्रोडक्ट हैं, के उत्पाद जो हैं, उनको उपलब्ध कराने के लिए ये हैप्पी शॉप ब्रांड नाम के तहत इसने क्या किया है, अपना रिटेल स्टोर का उद्घाटन किया है, उसको शुरू किया है, अपना रिटेल खुदरा स्टोर उसने क्या किया है, स्टार्ट किया है। किसके लिए, ग्राहकों के दैनिक आवश्यकताओं के उत्पाद उपलब्ध कराने के लिए अवेलेबल कराने के लिए ये स्टार्ट किया गया है। ये आपको
क्लियर हो गया होगा। तो पहला जो इसने रिटेल स्टोर किया था ये सितंबर 2021 में ही, सितंबर 2021 में ही मुंबई में इसने स्टार्ट किया था। ये इसने क्या किया है, अब इसी को और आगे बढ़ाते हुए इसने क्या किया, 31 जनवरी को 31 जनवरी को इसने क्या किया, 31 जनवरी 2022 को हैप्पी शॉप ब्रांड के दो और स्टोर को खोलने की घोषणा की है। वो जो दो स्टोर ये खोल रहा है, वो दो स्टोर कहाँ कहाँ खोल रहा है ये ध्यान रखिए, ये नोट कर लीजिए दोनों कहाँ पर है। ये एक है मुंबई, एक मुंबई में, और सेकंड विशाखापत्तनम। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा कहाँ पर मुंबई में स्टार्ट किया जा रहा है और कहाँ पर विशाखापत्तनम में। तो ग्राहकों को सुविधा के अनुसार दैनिक आवश्यकताओं के जो उत्पाद हैं उनको उपलब्ध कराने के लिए ये स्टार्ट किया जा रहा है। और ये इसका क्या है, गैर ईंधन ब्रांड है। हैप्पी शॉप ब्रांड क्या है, एक गैर ईंधन ब्रांड है। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। और अगर बात करें HPCL की, तो HPCL का हेडक्वार्टर कहाँ है, मुंबई। और इसके जो CEO हैं, CEO और जो अध्यक्ष हैं उनका क्या नाम है, मुकेश कुमार। क्या नाम है, मुकेश कुमार सुराड़ा। इनके क्या हैं, इसके अध्यक्ष हैं। तो ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, किस बैंक के साथ पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड ने एनपीसीआई मतलब नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। तो अब पूछ रहा है किस बैंक के साथ, पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड ने NPCI के साथ पार्टनरशिप में कॉन्टैक्टलेस क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है। तो किस बैंक के साथ किया है, पंजाब नेशनल बैंक PNB और पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड ने, इन दोनों ने मिलकर के NPCI के साथ साझेदारी में को ब्रांडेड कॉन्टैक्टलेस क्रेडिट कार्ड क्या किया है, लॉन्च किया है। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। बहुत डीप नहीं जाएंगे, बस थोड़ा सा और इसमें बता दे रहे हैं कि बहुत डीप जाने का कोई मतलब नहीं। ये जो कह रहा है कि को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड ये एनपीसीआई के जो रुपे प्लेटफॉर्म है, एनपीसीआई का रुपे प्लेटफॉर्म वहाँ पर पेश किए जाएंगे। को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड जो NPCI के रुपे प्लेटफॉर्म पर है उसी पर पेश किए जाएंगे। और ये दो वेरिएंट होंगे, कौन से दो, PNB रुपे प्लेटिनम और एक क्या होगा, PNB रुपे सिलेक्ट। एक PNB रुपे प्लेटिनम और सेकंड वेरिएंट क्या होगा इसका, PNB रुपे सिलेक्ट, उसी में ये उपलब्ध है। ये जो दो रूपों में उपलब्ध है जो कि मैंने बता दिया है, तो ये उसी के NPCI के रुपे प्लेटफॉर्म पर ये इस कार्ड को क्या किया गया है, पेश किया गया है। तो ये आपको क्लियर हो गया, बहुत ज़्यादा डीप नहीं जाएंगे, चलते हैं आगे बढ़ जाते हैं और देख लेते हैं। तो PNB की स्थापना, PNB के बारे में बात करें तो इसकी स्थापना 1894 में हुई थी, 1894 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, न्यू दिल्ली में है। अगर यहाँ के MD और PNB के MD और CEO की बात करें, MD और CEO कौन है, तो अतुल कुमार गोयल। और यहाँ का जो टैगलाइन है, PNB का जो टैगलाइन है उसका क्या नाम है, द नेम यू कैन बैंक अपॉन। और पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड की बात करें तो इसकी स्थापना 2006 में हुई थी, जनवरी 2006 में हुई थी। और इसका हेडक्वार्टर जो है वो कहाँ पर, हरिद्वार में है। और इसके संस्थापक कौन है, तो रामदेव बालकृष्ण इसके क्या है, संस्थापक हैं। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, इकोनॉमिक सर्वे 2021 to 2022, मतलब इकोनॉमिक सर्वे जो आर्थिक सर्वेक्षण है 2021 से 22 के अनुसार अप्रैल 2019
और दिसंबर 2021 के मध्य सबसे ज़्यादा स्टार्टअप कहाँ शुरू किए गए हैं? इसने क्या कहा, क्वेश्चन क्या कहा कि 2021-22 के अनुसार अप्रैल 2019 और दिसंबर 2021 के बीच, इसके बीच जो सबसे ज़्यादा स्टार्टअप है वो कहाँ शुरू किया गया? तो दिल्ली में। ये दिल्ली ने किसको पछाड़, दिल्ली किसको पछाड़ कर आगे बढ़ गया है? बेंगलुरु को, बेंगलुरु को। तो ये क्या किया है, बेंगलुरु को, बेंगलुरु कई सालों से ये आगे जा रहा था, तो बेंगलुरु को पिछले कई सालों से भारत का स्टार्टअप कैपिटल कहा जाता रहा है। बेंगलुरु को क्या कहा जाता था कई सालों से? भारत का स्टार्टअप कैपिटल। लेकिन इस साल इसने क्या किया, जो भारत की राजधानी दिल्ली है, इसने बेंगलुरु को क्या किया, पीछे कर दिया। तो ये आपको ध्यान रखना है। और अगर बात करें दिल्ली, दिल्ली में तो यहाँ पर कितने, मतलब ये जो आगे बढ़ गया है, तो यहाँ पर 5,000 स्टार्टअप। और बेंगलुरु की बात करें, बेंगलुरु सेकंड पेयर है, सेकंड नंबर पर, तो बेंगलुरु 4,514। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। चलते हैं और देख लेते हैं, इसमें और भी पॉइंट देख लेते हैं जो इम्पोर्टेंट है। एक मिनट, अगर हम भारत की बात करते हैं कि भारत, मतलब मैंने इसके बारे में डिस्कस भी किया लेकिन फिर भी बता दे रहे हैं कि दुनिया में अमेरिका और चीन के बाद फर्स्ट पे तो अमेरिका है, एक मिनट, फर्स्ट पर अमेरिका है एंड सेकंड पर कौन है, चाइना है, चीन है। तो भारत जो है अमेरिका और चीन के बाद थर्ड नंबर का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम बनाने में कामयाब हुआ है। कौन, भारत जो है तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम बनाने में कामयाब हुआ, तीसरे नंबर पर है, यानी फर्स्ट पर है अमेरिका और सेकंड पर कौन है, चीन है। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। ये भी मैंने बता दिया कि बेंगलुरु में 4,514 स्टार्टअप बने हैं, इतने जो यहाँ पे डेट लिखा है कि इसके मध्य जो है बेंगलुरु में 4,514 ही है, और जो दिल्ली है वो 5,000 से भी अधिक स्टार्टअप यहाँ पे शुरू किए गए हैं। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। और भारत की, पूरे भारत की बात करें तो भारत के पास 277.77 अरब डॉलर के वैल्यू वाले कुल कितने हैं, 83 यूनिकॉर्न हैं। स्टार्टअप और यूनिकॉर्न क्या होते हैं ये मैंने बहुत बार बता दिए हैं, तो अब नहीं बताएंगे, आप लोग को पता होगा। ये जो है ये कितने हो गए हैं भारत के पास, कितने, 83 यूनिकॉर्न, 277.77 अरब डॉलर के वैल्यू वाले कुल कितने यूनिकॉर्न हो चुके हैं भारत के पास, 83। और अगर पूरे देश में बात करें तो महाराष्ट्र के पास, भारत में महाराष्ट्र के पास सबसे अधिक स्टार्टअप है जो मान्यता प्राप्त है, भारत में महाराष्ट्र के पास मान्यता प्राप्त सबसे ज़्यादा स्टार्टअप है, टोटल कितने हैं, 11,308। अब कुछ लोग कंफ्यूज होंगे कि अभी तो आपने बताया दिल्ली, बेंगलुरु, फिर ये महाराष्ट्र कहाँ गया? तो वहाँ पे मैंने क्वेश्चन किया कि इस जो अवधि दी हुई है इसके मध्य कहाँ स्टार्टअप बहुत ज़्यादा शुरू किए गए, ये मैंने कहा, ये मैंने नहीं कहा कि सबसे ज़्यादा कहाँ बने, ये इसके बीच कहाँ सबसे ज़्यादा स्टार्ट हुए, देन आपका आंसर होगा दिल्ली एंड बेंगलुरु, सेकंड पे बेंगलुरु, फर्स्ट पे दिल्ली। लेकिन अगर बात करें कि पूरे देश में सबसे ज़्यादा कहाँ पर है स्टार्टअप, तो वो है महाराष्ट्र में, 11,308। ये आपको क्लियर हो गया होगा। और 2021 में जो है, 2021 में भारत के 44 स्टार्टअप जो हैं वो क्या बने हैं, यूनिकॉर्न बने हैं। ये भी डिस्कस कर चुके थे अपने किसी वीडियो में लास्ट में। तो ये आपको ध्यान रखना कि 2021 में 44 स्टार्टअप जो हैं यूनिकॉर्न बने हैं, जिसकी वजह से ही जो है भारत जो है यूके भारत ने क्या किया है, यूके को पछाड़ करके तीसरे नंबर पर सबसे ज़्यादा यूनिकॉर्न बनाने वाला सबसे बड़ा देश बन गया है। यानी कि किसके बाद, अमेरिका और चीन के बाद इसने क्या किया है, थर्ड नंबर पर रैंक अपना रख लिया है, किसको पछाड़ करके, यूके को पछाड़ करके। तो ये आपको क्लियर हो गया, और कुल कितने इसके पास यूनिकॉर्न हो चुके हैं, 83। ये आपको क्लियर हो गया होगा। बहुत डीप जा करके मैंने एक पॉइंट समझा दिया है गाइस। अब आपको तो इस बात पर क्या करना है, सेशन को शेयर करना ही है, और लाइक तो जरूर कर दिया करिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देख लेते हैं। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी द्वारा हाल ही में जारी की गई आंकड़ों के अनुसार किन दो राज्य में बेरोजगारी सबसे ज़्यादा देखने को मिली है? तो कहाँ पर, राजस्थान और बिहार में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी, ये देखिए यहाँ दिख भी रहा होगा, CMII की रिपोर्ट है,
जिसमें बेरोजगारी में राजस्थान के अव्वल आने का यह खुलासा, खैर ये इसका नाम है CMI का सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी, इसके द्वारा जो रिपोर्ट जारी की गई है उसमें ये पता चला है कि जो है राजस्थान और बिहार जो है ये सबसे ज़्यादा बेरोजगारी यहाँ पर देखने को मिली है। जो राजस्थान है यहाँ पर राजस्थान में मतलब इस राजस्थान में क्या है, हर दूसरा ग्रेजुएट जो है वो क्या है, बेरोजगार है। राजस्थान में की बात करें तो यहाँ पर ग्रेजुएट किए हुए जो हर दूसरा शख्स है उसके पास यहाँ पर काम नहीं है, तो ये आपको ध्यान रखना है। और ये हो गया। और अगर यहाँ और ये राजस्थान जो है लगातार दूसरी बार इसी नंबर पर आ रहा है जहाँ पर क्या है बेरोजगारी के सबसे ज़्यादा मतलब सबसे ज़्यादा बेरोजगार यहीं पर हैं। और अगर बात करें कि दिसंबर 2021 में एक आंकड़े और हैं जो नोट कर सकते हैं आप लोग, कि दिसंबर 2021 में जो कुल बेरोजगारी दर थी वो कितनी थी, 7.91% थी। दिसंबर 2021 में कुल बेरोजगारी दर 7.91% थी। जनवरी 2022 में ये घट करके कितने पे आ गई है, 6.57 पर आ गई है, 6.57% पर आ गई है, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो अगर देखा जाए राजस्थान से बेहतर जो है मतलब बेरोजगार की स्थिति में राजस्थान से बेहतर तीन बड़े जो स्टेट हैं जैसे MP है, गुजरात है, महाराष्ट्र है, तो यहाँ पे राजस्थान से बेहतर स्थिति में हैं ये लोग। गुजरात में देखा जाए तो 13 ग्रेजुएट में से एक बेरोजगार है, महाराष्ट्र MP में 9 ग्रेजुएट में से एक बेरोजगार देखने को मिलता है। तो ये समय सबसे ज़्यादा जो है राजस्थान में 65 लाख लोग, हिमाचल में देखा जाए हिमाचल नहीं हिमाचल छोड़िए राज्य जो सबसे बड़े बड़े आंकड़े हैं वो बता दे रहे हैं, राजस्थान में 65 लोग बेरोजगार हैं। और बात करें कहाँ पर इस ये यूपी का अपना देख लेते हैं कि यूपी का क्या कंडीशन है, तो यूपी में कितने लोग 28.41 लाख, तो ये सब तो आंकड़े तो नहीं, ये सब मैटर नहीं करता, बस ये याद रखिए कौन सबसे ज़्यादा फर्स्ट पे सेकंड पर, तो राजस्थान बिहार ये है। और बेरोजगारी पर एक समिति है जिसका नाम क्या है, भगवती समिति। भगवती समिति किससे संबंधित है, बेरोजगारी से संबंधित है। अच्छा ये तो मैंने बता दिया कि जनवरी 2022 में घटकर 6.57% पर आ गई है, थोड़ा मतलब सुधार हुआ है उसमें। तो इसमें देख लिया जाए कि शहरी क्षेत्र में कितनी है, शहरी क्षेत्र में बेरोजगारी दर कितनी है, 8.16%। और यही ग्रामीण सेक्टर में देखा जाए, ग्रामीण क्षेत्र में, तो ये कितनी है, 5.84%। तो ये आप नोट कर सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ फटाफट। क्या कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, 31 जनवरी 2022 को किसने राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान के महानिदेशक के रूप में कार्यभार संभाला है, तो किसने कार्यभार संभाला है, डॉक्टर मदन मोहन त्रिपाठी। किसने, NIELIT, इसी को क्या कहते हैं, राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक एंड और सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, इसी के जो है महानिदेशक ये हैं मदन मोहन त्रिपाठी, डॉक्टर मदन मोहन त्रिपाठी, इन्हीं को बनाया गया है डायरेक्टर जनरल। और ये जो है राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान जो है ये किसके तहत काम करती है, तो इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत, इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत ये काम करती है। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा, सेशन को लाइक कर दीजिए, भूलिए नहीं तो आप लोग भूल जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इम्पॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, किस ओलंपिक खिलाड़ी को लॉरियस विश्व खेल पुरस्कार 2022 के लिए नामित किया गया है, किस ओलंपिक खिलाड़ी को लॉरियस विश्व खेल पुरस्कार 2022 के लिए नामित किया गया है, तो किसको नामित किया गया, नीरज चोपड़ा का नाम तो बताना नहीं है, इनके बारे में बहुत डिटेल बताना नहीं है क्योंकि सबको पता होगा ये, लेकिन फिर भी बता दे रहे जिसको नहीं भी पता है। तो ये जो है क्या नाम है, टोक्यो ओलंपिक में ये पहले तो ये जानिए किस खेल में, भाला फेंक में इन्होंने क्या स्वर्ण पदक जीता था टोक्यो ओलंपिक में, तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। तो ये इनको क्या किया गया है, लॉरियस वर्ल्ड ब्रेक थ्रू ऑफ द ईयर अवार्ड के लिए नामित किया गया है, कौन से पुरस्कार के लिए, लॉरियस वर्ल्ड ब्रेक थ्रू
ब्रेक थ्रू ऑफ द ईयर, ऑफ द ईयर अवार्ड के लिए इनको नामित किया गया है। और नीरज चोपड़ा जो हैं ये इस अवार्ड के लिए 6 नामांकित व्यक्ति में से एक के रूप में, मतलब 5 और हैं इनके अलावा, 5 और हैं, वो कौन कौन है, जैसे एम्मा रादुकानू हैं, डेनियल मेदोदेव हैं, यूलिमार राजोस हैं, एरियन टिटमस हैं, तो सबका नाम तो नहीं याद रहेगा लेकिन मेन जो हमेशा आते रहते हैं, नाम चर्चा में रहता, उनका नाम याद रख लीजिए, माइंड में होना चाहिए एम्मा रादुकानू, और सेकेंड आप माइंड में रख लीजिए डेनियल मेदोदेव, तो इनका ये भी हैं इसमें, इस अवार्ड के लिए नामित हुए हैं, बाकी टोटल 6 लोग हैं, तो ये ध्यान रखिएगा। और नीरज चोपड़ा जो हैं 2019, ये एक मिनट, नीरज चोपड़ा को नामित किया गया, और 2019 में, 2019 में जो विनेश फोगाट, ये क्या है विनेश फोगाट, ये पहलवान, और क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर, तो ये दोनों भी इस पुरस्कार को नामांकित होने वाले, ये दो भी थे, एक विनेश फोगाट और सचिन तेंदुलकर, इन दोनों के बाद ये तीसरे हैं जो नामांकित होने वाले तीसरे भारतीय एथलीट हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है, ये क्वेश्चन भी हो गया। अब चलते हैं हम लोग फटाफट, जो हमारा मेन क्वेश्चन था वो डिस्कस कर लेते हैं, जल्दी ही हम कोशिश करेंगे ख़त्म हो जाए, ये ध्यान रखें, शॉर्ट में ही बताते हुए चलेंगे, बहुत ज़्यादा डीप नहीं जाएंगे क्योंकि थोड़ा सा मैंने कल बता दिया है। ये देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में छपना ही छपना है, जितना स्टार बनाना हो बना सकते हैं। क्या क्वेश्चन कह रहा है, फरवरी 2022 में भारत में रामसर साइट्स में 2 नए स्थलों की घोषणा, कल ही मैंने क्वेश्चन डिस्कस किया था कि 2 फरवरी को क्या मनाया जाता है, वेटलैंड डे मनाया जाता है, आर्द्र भूमि दिवस मनाया जाता है, तो उसी दिवस पर क्या क्या घोषणा किया गया है, रामसर साइट्स में 2 नए स्थल की घोषणा की गई है, और जब ये 2 नए स्थल जब इनकी घोषणा की गई तो अब टोटल कितने हो गए, 47 थे, तो 47 के बाद 2 और ऐड हो गए तो कितने हो गए, 49 हो गए, तो अब टोटल कितने ध्यान रखने के रामसर साइट हो गए हैं, 49 हो गए, तो वो जो 2 ऐड हुए हैं, जो 2 ऐड हुए हैं वो कौन से हैं 2, तो एक है खिजड़िया वन्य जीव अभ्यारण, क्या है खिजड़िया वन्य जीव अभ्यारण, और दूसरा क्या है बखीरा जीव अभ्यारण। तो खिजड़िया जो है वो कहाँ पर है, ये याद रखना है आपको, गुजरात में है, और बखीरा जो है वो उत्तर प्रदेश में है, तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। तो 2 फरवरी को जो विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाया गया, तो यहाँ पर क्या हुआ, इन दोनों साइट को शामिल किया गया, तो ये आपको क्लियर हो गया होगा, खिजड़िया और क्या बताया मैंने बखीरा, तो ये ध्यान रखने की चीज़ है, ध्यान रखने वाला पॉइंट है। और इसमें और क्या बताया जाए आपको, तो अब कल तो मैंने आधा डिस्कस कर दिया था कि ईरान का एक सिटी है रामसर, तो वहाँ पे 1971 में क्या हुआ था, इस आर्द्र भूमि पर एक सम्मेलन अपनाया गया था जिसका नाम क्या, इसीलिए वहाँ पर जब शहर, उसी शहर में 1971 में ये सम्मेलन हुआ, तो वहीं इस कन्वेंशन का नाम ही क्या पड़ गया, रामसर कन्वेंशन पड़ गया। तो इस कन्वेंशन में क्या किया गया, जो आर्द्र भूमि है और वहाँ के जो संसाधन हैं उसके संरक्षण के लिए और उसका बुद्धिमानी तरीके से उपयोग के लिए क्या किया गया, एक रूपरेखा निर्धारित की गई, एक रूपरेखा निर्धारित की इसको मतलब कैसे संरक्षित किया जाए, तो ये सारा उसमें क्या हुआ, उस कन्वेंशन में किया गया। तो आर्द्र भूमि जो है ये पारिस्थितिक तंत्र का बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा होता है और यहाँ पे बहुत सारी जैव विविधता होती है, कल ही मैंने बता दिया था। और इस बार की जो थीम रखी गई थी, कल डिस्कस किया था, फिर बता दे रहे हैं कि जो थीम रखी गई है वेटलैंड्स एक्शन फॉर पीपल एंड नेचर, इसका क्या है थीम है। और आर्द्र भूमि मैंने बता दिया था कि कल क्या है आर्द्र भूमि, वो ऐसा स्थान है जहाँ क्या हो, भूमि जो होती है पानी से ढकी होती है। आर्द्र भूमि क्या होती है, एक ऐसा प्लेस होता है जहाँ पर जो भूमि होती है वो पानी से ढकी होती है, मतलब रामसर कन्वेंशन के तहत कुछ स्थानों की सूची उस आर्द्र भूमि में डाल दी गई, जैसे झीलें हो गई, नदियाँ हो गई, दलदल हो गया, और
घास का गीले घास का मैदान हो गया, पीट लैंड हो गया, मुहाना मुहाना एरिया हो गया, डेल्टा और ज्वारीय एरिया हो गया, मैंग्रोव और जो अन्य तटीय क्षेत्र होते हैं वो हो गए, उसको भी आर्द्र भूमि के उसमें रामसर कन्वेंशन में ऐड किया गया। प्रवाल भित्तियाँ हो गई, तो बाकी कुछ चीज़ें मैंने कल भी डिस्कस किया था, तो जिसने कल वीडियो नहीं देखा वो देख लीजिए, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाता है इसलिए हमको शॉर्ट में ही बता करके निकलना है। तो ये आपका आपको क्लियर हो गया होगा कि आर्द्र भूमि क्या होती है और इससे क्या क्या है, और जितने भी मैंने फैक्ट थे वो सब मैंने बता दिया। तो अब आपको बस इतना ही ध्यान रखना है कि वर्तमान में जो है टोटल 49 आर्द्र भूमि है जिन्हें रामसर सम्मेलन के तहत क्या किया गया है, मान्यता प्रदान किया गया है। तो ये और शुरुआत में जब शुरुआत में सबसे पहले भारत में कितनी थी, 27 आर्द्र भूमि थी, बाद में इसमें क्या किया गया ऐसे ऐड करते करते ये अब कितना हो गया है, 49 हो गया है। तो 49 ये तो 49 नंबर का कौन है, 48 नंबर का कौन है, तो ये दोनों ध्यान रखिएगा कि पहले 48 में किसको रखा गया, 49, तो 48 में खिचड़िया पक्षी अभ्यारण को रखा गया, वंशी अभ्यारण को, और 49 में बखीरा को रखा गया। जो खिजड़िया है वो गुजरात का है, 49 बखीरा, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पूछ लेगा 48 नंबर पर कौन सा रामसर साइट है, तो 48 पे खिजड़िया और 49 में कौन सा है, बखीरा है, ये आपको क्लियर। और 47 तो 48 से पहले जो 47 था वो कौन सा था, तो उत्तर प्रदेश का ही क्या था, हैदरपुर वेटलैंड था। 47 पर क्या था, हैदरपुर वेटलैंड था जो कि यूपी का है। और जो सॉरी सुर सरोवर जो है, सुर सरोवर इसको खेतम झील के कुछ और फैक्ट बता रहा है, नोट कर लीजिएगा फटाफट, कि सुर सरोवर जो है वो उसको खेतम झील के नाम से भी जानते हैं, किसके नाम से, खेतम झील के नाम से भी जानते हैं सुर सरोवर को, तो ये आपको ध्यान रखना। और लोनार झील जो है वो बेसाल्ट आधारशिला पर जो उल्का पिंड है उसके प्रभाव से बनी है, उल्का पिंड के प्रभाव से लोनार झील बनी है। और तसोकर जो लद्दाख में है उस वो सफ़ेद नमक को दर्शाता है, और तसोकर जो है वो भारत में काली गर्दन वाली क्रेन के लिए सबसे महत्वपूर्ण प्रजनन क्षेत्र में से एक मानी जाती है। कौन काली गर्दन वाली, कहाँ, तसोकर ये है, तो ये आपको ध्यान रखना है, ध्यान रखिएगा सारे फैक्ट जो हैं। और जो हैं फटाफट हम ये सोच रहे हैं कि आपको जितने भी हैं एक बार डिस्कस कर दिया जाए कि ताकि आपको क्या रहे, क्लियर रहे। अगर पूछ ले कि रामसर सम्मेलन के तहत सबसे बड़ी आर्द्र भूमि कौन सी है, तो पश्चिम बंगाल की सुंदरबन है, और सबसे छोटी पूछे तो हिमाचल प्रदेश की रेणुका वेटलैंड है। सबसे बड़ी पश्चिम बंगाल की सुंदरबन और सबसे छोटी जो है वो हिमाचल प्रदेश की रेणुका वेटलैंड है। और भारत में रामसर सम्मेलन के तहत पहली आर्द्र भूमि कौन सी है जो शामिल की गई थी, चिल्का झील है, और केवला देव राष्ट्रीय उद्यान, चिल्का झील ओडिशा की है और केवला देव जो है वो राजस्थान की है, तो ये भी आपको क्या करना है, ध्यान रखना है। और उत्तराखंड के रामसर सम्मेलन के तहत पहली आर्द्र भूमि उत्तराखंड की कौन सी थी, आसन बैराज थी, तो ये सब क्वेश्चन पूछ सकते हैं, तो ये सब आपको क्या करना है, ध्यान रखना है। तो देख लेते हैं जैसे कुछ और रामसर साइट फटाफट, जो 49 है हम बोल दे रहे हैं ताकि माइंड में आपके कहीं ना कहीं रहे, जैसे समन पक्षी अभ्यारण्य, सूर सरोवर उत्तर प्रदेश के, ये सारे हैं जो मैं बता रही हूँ ये उत्तर प्रदेश के हैं, जो अभी जितने बोलेंगे वो उत्तर प्रदेश के, समन पक्षी अभ्यारण्य, सूर सरोवर, सरसई, नवाबगंज, समसपुर, सांडी पक्षी अभ्यारण्य, पार्वती अरंगा, ऊपरी गंगा नदी, ये सब कहाँ के हैं, उत्तर प्रदेश के हैं। हैदरपुर आर्द्र भूमि, बखीरा, ये सब कहाँ के हैं, बखीरा तो अभी ऐड हुआ है, और क्या बखीरा, तो ये 10 जो हैं वो कहाँ के हैं, यूपी के हैं। केरल के कौन से संस्थान, कोट्टा झील है, अष्टमुड़ी झील है, वेम्बनाड झील है, जो कि बार बार अष्टमुड़ी वेम्बनाड तो बहुत इंपॉर्टेंट है, केरल के हैं। भोपाल भोपाल का एमपी का क्या है, भोज आर्द्र भूमि है। महाराष्ट्र के नासिक में कौन सा है, नंदूर है, लोनार झील है। केवला देव जो है वो राजस्थान का है। सांभर झील राजस्थान का है। नल सरोवर गुजरात का है। और पॉइंट कैलिमर ये कहाँ का है, तमिलनाडु का है। कोल्लेरू झील आंध्र प्रदेश का है। ये सब रामसर साइट में ऐड किए गए हैं। तसो मोरिरी और तसोकार ये सब कहाँ के हैं, ये दोनों कहाँ के हैं, लद्दाख के हैं। जहाँ पर तसो तसो आ जाए समझ जाओ कि कहाँ कहाँ है, लद्दाख का है। होकेरा वेटलैंड, होकेरा वेटलैंड, वुलर झील ये कहाँ के हैं, जम्मू कश्मीर के हैं। और सूरी नसर मानसर ये भी कहाँ का है, जम्मू कश्मीर का है।
चिल्का ओडिशा का बता ही दिया, भितरकनिका ओडिशा का ही है ये भी, भितरकनिका मैंग्रोव भी कहाँ, ये क्या है रामसर साइट में ऐड किया गया है। पूर्वी कोलकाता आर्द्र भूमि, तो कोलकाता है तो ऑब्वियस ही बात है पश्चिम बंगाल का होगा, सुंदरबन आर्द्र भूमि वहीं का है। और पंजाब का कौन कौन सा है, व्यास संरक्षण रिजर्व, नंगल, हरिके, कांजली, रोपड़, केशवपुर, ये सब कहाँ के हैं, पंजाब के हैं। दीपोर असम का है, लोकटक मणिपुर, रुद्रसागर त्रिपुरा, पोंगबाद झील, चंद्र झील, रेणुका झील, ये हिमाचल के हैं। आसन बैराज उत्तराखंड के, कवरताल बिहार के, सुल्तानपुर गुरुग्राम, भिंडावास हरियाणा, थोल झील गुजरात, तो ये सब जो हैं। और 48-49 वाला जो मैंने अभी बताया है, खिजड़िया और बखीरा, 48-49, ये टोटल 49 मैंने शॉर्ट में ही आपको फटाफट बता दिए हैं। फिर कभी एक दिन क्या करेंगे, इस बारे में 49 का हम लिखवा देंगे। और चलते हैं आज का जल्दी से क्वेश्चन जो है वो डिस्कस कर लेते हैं फटाफट, इतना लेट हो जाता है, कम करते करते ही देर हो जाता। नेक्स्ट देखते हैं क्या क्वेश्चन कह रहा है आज का। पहला क्वेश्चन है प्रैक्टिस के लिए, बारहमासा की रचना किसने की थी, क्या क्वेश्चन है, बारहमासा की रचना किसने की थी। ऑप्शन है आपके लिए अमीर खुसरो, इसामी, मलिक मोहम्मद जायसी या रस खान। तो बारहमासा की रचना जो की थी वो की थी मलिक मोहम्मद जायसी। किसने की थी, मलिक मोहम्मद जायसी, मलिक मोहम्मद जायसी, जायसी। तो जायसी की और भी रचनाएं हैं जैसे कि पद्मावत है, अखरावट है, आखिरी कलाम, तो ये सब भी क्या है, उन्हीं की है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, देख लेते हैं क्या कह रहा है, पानीपत के युद्ध में बाबर की जीत का मुख्य कारण क्या था। तो ऑप्शन आपके लिए, उसकी घुड़सवार सेना, तुलगामी प्रथा, अफगानों की आपसी फूट या उसकी सैन्य कुशलता। तो पानीपत के युद्ध में जो बाबर की जीत का कारण था वो उसकी सैन्य कुशलता था। तो पानीपत की जो पहली लड़ाई हुई थी वो 1526 में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुई थी। पानीपत की जो फर्स्ट लड़ाई हुई थी 21 अप्रैल 1526 में, 1526 में बाबर और किसके बीच, इब्राहिम लोदी के बीच हुई थी, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुई थी। तो उसकी जो सैन्य कुशलता थी उसी के बल पर ही क्या किया था, बाबर विजयी हुआ था। तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, तुझके बाबरी किस भाषा में लिखा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, तुझके बाबरी किस भाषा में लिखा। ऑप्शन है फारसी, अरबी, तुर्की और उर्दू। तो किस में लिखा, तुझके बाबरी, तो इसको ऐसे याद रखिएगा, तुजुक तुर्की, तुजुक तुर्की, ऐसे याद रखिएगा तो कन्फ्यूजन नहीं होगा। तुझके बाबरी किस में है, तुर्की में है। तो ये भी आपको, इसे तुझके बाबरी या बाबरनामा भी कहते हैं, इसी को बाबरनामा भी कहते हैं। तो ये जो है तुर्की भाषा में लिखी गई थी। और जो मुगल दरबार, ये पूछता है मुगल दरबार की राजभाषा क्या थी, क्या तुर्की थी, नहीं तुर्की नहीं थी, बल्कि मुगल दरबार की जो राजभाषा थी वो फारसी थी। क्या थी, फारसी, ये भी ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हुमायूं ने चुनार दुर्ग पर पहली बार कब आक्रमण किया था। तो ऑप्शन है 1532, 1531, 1533 या 1536। तो हुमायूं ने चुनार दुर्ग पर जो आक्रमण किया था पहली बार, वो किया था 1532 ईस्वी में किया था। और उसने क्या किया था, इस किले को 4 महीने तक घेरे रखा था। तो क्या होता है कि जब इसने 4 महीने तक उसको घेरे रखा, तो जो मतलब शेर खां था, शेर खां, उसने क्या किया, हुमायूं की अधीनता स्वीकार कर ली। और उसके बाद ये क्या करता, 1531 में इसके, और इसके, इसने 31 में कालिंजर पर भी आक्रमण किया था, 1532 में रायसेन के महत्वपूर्ण किले को जीता था। तो ये सब इसके, हुमायूं के बारे में है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, किसने अपने बादशाह पति के लिए मकबरे का निर्माण कराया था, शाह बेगम ने, हाजी बेगम ने, मुमताज महल बेगम ने या नूरिन्निशा बेगम ने। तो किसने किया था अपने बादशाह पति के लिए मकबरे का निर्माण, हाजी बेगम ने, हाजी बेगम ने। तो इन्होंने अपने पति हुमायूं के लिए, इन्होंने अपने पति हुमायूं के मकबरे का निर्माण, हाजी बेगम क्या करती है, अपने पति हुमायूं के मकबरे का निर्माण कहाँ पर, दिल्ली में, दिल्ली में 1564 में करवाती हैं, दिल्ली में ही 1564 में। तो ये आप, और इस मकबरे का जो नक्शा था वो एक वास्तुकार थे जो ईरान के थे, ईरानी वास्तुकार थे, जिनका क्या नाम था, वो मीरक मिर्जा गियास नाम था, क्या नाम था उनका, मीरक मिर्जा गियास नाम था। और मतलब ये सफ़ेद संगमरमर से बना है, ये जो इनका बना है श्वेत संगमरमर, सफ़ेद संगमरमर,
सफ़ेद संगमरमर से बना था। तो और हाँ, सफ़ेद संगमरमर से बना ये जो था भारत का प्रथम गुंबद वाला मकबरा था। भारत का प्रथम गुंबद मकबरा यही है, सफ़ेद संगमरमर से बना भारत का प्रथम गुंबद मकबरा ये हुमायूं के मकबरे का, जो हाजिम बेगम ने तैयार करवाया था, ये हो गया। और हुमायूं नामा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, हुमायूं नामा की रचना किसने की थी? तो हुमायूं नामा की रचना जो है, ऑप्शन आपको दे रहे हैं बाबर, हुमायूं, गुलबदन बेगम या जहांगीर। तो हुमायूं नामा की रचना किसने की थी? गुलबदन बेगम ने की थी। तो बाबर की जो शहजादी हैं, उन्होंने शहजादी थी बाबर की, शहजादी गुलबदन बेगम ने ही क्या किया था, हुमायूं नामा की रचना की थी। और जो किस भाषा में थी? फारसी भाषा में थी। किस भाषा में थी? फारसी भाषा में थी। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। आपके लिए जो क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है, वो है ग्रेट सैंडी मरुस्थल किस देश में है। अभी कुछ दिन पहले डिस्कस किया है, एक दो दिन पहले ही, तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। देखते हैं कितना याद है आप लोगों को। और चलते हैं फटाफट, क्या करते हैं, ये वेटलैंड, ये जो भारत में रामसर साइटें हैं टोटल 29 है, ये आप लोग स्क्रीन शॉट ले लीजिएगा। यहाँ हम दिखा दे रहे हैं, ये टोटल 49 है। ये देखिए लिस्ट ऑफ वेटलैंड अंडर रामसर कन्वेंशन अपडेटेड फॉर टोटल 49, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। एक मिनट, ये लीजिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट, और एक बार फिर से आप लोग देख लीजिएगा। नहीं तो एक दिन हम क्या करेंगे, इसके लिए अलग से एक वीडियो बना देंगे। ये देखिए, चलते हैं फटाफट, कल का रिवीजन कर लेते हैं, बस दो मिनट लगेगा। विश्व आर्द्रभूमि दिवस पूरी दुनिया में हर साल कब मनाया था? 2 फरवरी। आज डिस्कस करती हैं और भी, LIC के अध्यक्ष का कार्यकाल 1 साल बढ़ाकर मार्च 2023 तक कर दिया गया है, उनका क्या नाम है? MR कुमार नाम है। तीसरा क्वेश्चन है, हाल ही में बम चक्रवात के कारण हाल ही में किस देश के कई राज्यों ने इमरजेंसी की घोषणा की है? अमेरिका। वर्ल्ड गेम एथलीट ऑफ द ईयर 2021 का पुरस्कार किसके द्वारा जीता गया है? PR श्रीजेश। भारतीय तटरक्षक बल द्वारा 1 फरवरी 2022 को अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? 46th। किस राज्य के हुएसला मंदिर को हाल ही में वर्ष 2022-23 के विश्व विरासत सूची के लिए भारतीय नामांकन के तौर पर शामिल किया गया है? कर्नाटका। सेहत पहल का संबंध किस मंत्रालय से है? रक्षा मंत्रालय। वित्त मंत्री सीतारमन ने केंद्रीय बजट 22-23 प्रस्तुत करते हुए वर्चुअल डिजिटल परिसंपत्ति के हस्तांतरण पर कितने % की टैक्स लगाए जाने की घोषणा की? 30। इम्पोर्टेंट है ये क्वेश्चन। रक्षा खुफिया एजेंसी के नए प्रमुख के रूप में 31 जनवरी 2022 को किसे नियुक्त किया गया है? ZAV रेड्डी को। तो बस आज के लिए इतना ही, और उम्मीद है आप लोगों को सेशन समझ आया होगा, पसंद भी आ रहा होगा। तो गाइज, इसको ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ, जो भी कंपटीशन की, किसी भी कंपटीशन की तैयारी करते हो, तो उनको शेयर करिए, ताकि उनको भी फ़ायदा हो, आपको भी फ़ायदा हो ही रहा होगा जहाँ तक मुझे उम्मीद है। और इसको लाइक करना मत भूला करिए, अगर देख रहे हैं तो प्लीज़ लाइक तो बनता है, उससे मेरा मनोबल थोड़ा बढ़ जाता है। हम और अच्छा करने की कोशिश करते हैं कि आप लोगों के पास जितनी भी नॉलेज हो सके उतना हम देने की कोशिश करते हैं। और बाकी क्या करना है आपको, सब्सक्राइब तो कर ही देना है जो नए हों। बाकी कल फिर मिलते हैं नए क्वेश्चंस के साथ, और बस इतना ही, चलते हैं। थैंक यू सो मच।